हे माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। आज मैं आपके साथ रवि प्रदोष व्रत कथा शेयर करने वाली हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कष्ट का निवारण होता है। तो चलिए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर में एक पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन हमें बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बांधुओ, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहाँ से प्रस्थान किया और एक नगर में जा पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गया और थक कर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की सजा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य सब ही शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत का सुनाया। वृतांत सुन राजा ने सिपाही भेज बालक के माता पिता को बुलवा लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा, भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण को आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है और व्रत कथा का श्रवण करता है, उसे आनंद प्राप्त होता है।